जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शाहबशाह है। अच्छा जी, आज एक और प्रोजेक्ट जो है हमारा K10A का वो पेंट हो गया और अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। अभी उसमें फिटिंग्स वगैरह कुछ कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें लाइटें थी और बैक शीशे हो गए, इस और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हो गई हैं। तो पावर विंडोज़ वो हो गई है, इसके अलावा पावर स्टीयरिंग, इंटीरियर की कुछ सेटिंग वगैरह वो रहती है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, इंजन स्टार्ट करके वो आपको इंजन बे भी दिखाता हूँ, फिर आगे की जो हमारे पैंस है वो भी बताऊँगा। करना आपने ये है कि हमारा जो दूसरा चैनल हमने स्टार्ट किया है कार डॉकयार्ड व्लॉग्स के नाम से, ठीक है, उस पर हमने पहला व्लॉग भी अपलोड कर चुके हैं 2-3 दिन पहले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल होगा, या आप मेरे इस चैनल में आप जाएंगे, अदर चैनल्स पर जाएं तो वहाँ भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप जैसे आप लोगों ने यहाँ पे हमें प्यार दिया तो वहाँ भी जाके सपोर्ट करें। उधर मैंने छोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह, जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि छोटी मोटी जो बारीकी की चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, तो वहाँ पर डेली ब्लॉग्स कैजुअल आपको मिलेंगे, तो आप जाके वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं, आपकी गाड़ी दिखाते हैं। का जो हमारा प्रोजेक्ट था अल्टो का, वो पेंट हो गया और बस अभी इसमें छोटी मोटी फिटिंग्स वगैरह हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद इसका इंटीरियर सेट करेंगे और इंजन हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है और पेंट वगैरह अभी आज ही गाड़ी पेंट हुई है। ये फिलहाल जो करंट स्टेटस है गाड़ी का वो है। इसके बाद हमने इसमें इसका जो है इंटीरियर सेट करना है। पावर विंडोज़ हमने इसमें इंस्टॉलेशन सी कर दिया है, पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल हो जाएगा और देन इसमें सीटें जो हैं वो हमने इसकी पोशिंग वगैरह करनी है, छोटी मोटी और चीज़ें हैं। इसके अलावा सस्पेंशन हो जाएगी गाड़ी की, अभी तक सस्पेंशन नहीं हुई गाड़ी की। जी सूरत हाल है, सूरत आपको इंजन बे भी दिखाते हैं, इसके अलावा फिर आपको पेंट क्वालिटी आप फिलहाल देख सकते हैं। 2K का जैपनीज़ पेंट हम डालते हैं और फिर उसके बाद निपोन की कवरिंग वगैरह हम डालते हैं। शाइन आप देख रहे होंगे, इस वक्त गाड़ी सिर्फ पेंट हुई है, कंपाउंड पॉलिशिंग अभी इसकी पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह एक आध हफ्ते बाद इसको हम करेंगे। बम्पर्स हमने इसमें जैपनीज़ डाले हैं, लाइटें हमने इसमें जैपनीज़ डाली हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके गत्ते आप देख रहे होंगे, ये भी इसको हम पेंट करेंगे, थोड़ी सी कंडीशन इसको हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अभी जो करंट कंडीशन है इंटीरियर की, टायर पड़े हुए अंदर, इसके अलावा डैशबोर्ड वगैरह ये सारी सेटिंग वगैरह होने वाली है। टायर लगाएंगे इसमें और ये जो रिम्स हैं ये पॉलिश करने के लिए दे देंगे, जब वो फिर बन के आ जाएंगे दोबारा इसको फिट कर देंगे। गाड़ी में जो इंजन K10A इंस्टॉल्ड है तो वो भी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, वाइब्रेशन वगैरह भी दिखाता हूँ गाड़ी की और इसके अलावा साउंड भी आपको दिखा देते हैं। तो ये इंजन K10A का और आपके सामने है, इसमें आप देख रहे होंगे किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें देखें हमें टेस्ट करनी पड़ती हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे इसका डेविड कवर जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। अब जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, ये छोटी मोटी चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये चीज़ है, ये रिप्लेस होने वाली है। तो हम करेंगे ये कि इसका डेविड कवर जो है वो चेंज कर देंगे। दूसरा हम इसका जो है इसका इंजन
इंजन ये है, इसको थोड़ा सा इस दफ़ा हम मैंने प्लान ये किया है कि इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे, हो सकता है कि ये हटा के हम इसके अलावा जो वो है एयर इनटेक है वो इंस्टॉल करें, तो छोटी मोटी और चीज़ें इसमें हम करें, इसको वायरिंग इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह, ये सारा सीन है। आप देख रहे होंगे फिटिंग्स आप देख रहे होंगे आपके सामने, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी, तो ये सारा सीन है। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा दूसरा चैनल भी लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस तरह की गाड़ी बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।